वेलकम यू SCS क्लासेस। आप सभी लोगों का SCS क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में SSC GT 2025 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी को देखते हुए सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमें यह पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी करना चाहिए, जो कि सिलेबस बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना सामान्य ज्ञान का होगा, जिसे GK GS कह सकते हैं। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि 2011 की जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर - महिलाएँ थी। अर्थात इसमें यह पूछा गया कि 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं थीं, कुल कितनी महिलाएं थीं, ये पूछा गया है। बताएं आप लोग इनका अनुपात क्या था, कमेंट करें फटाफट। आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1000 पुरुषों पर कितनी 943 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 943 महिलाएं थीं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। आपको जनगणना से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपके SSC GT के पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि क्रिकेट में कुछ ओवरों के दौरान कुछ क्षेत्र रक्षण, जिसे फील्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, किसके फील्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिबंधों को डैश के रूप में जाना जाता है। तब इन्हें किस रूप में जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है पावर प्ले के रूप में। आपने पावर प्ले सुना होगा क्रिकेट में कि ये पावर प्ले है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग - वर्ष पूर्व हुई थी। तब 21 वर्ष पूर्व हुई थी, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 8000 वर्ष पूर्व हुई थी। क्यों, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष के पश्चात हुई थी, अर्थात पूर्व हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है, कौन सा वाला इसका सही कथन होगा। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, क्या थी? हाँ, ये वाला पहला वाला कथन आपका ठीक है। सेकेंड कथन आपका है 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 1997 से 2002 तक थी, ये भी आपका ठीक है। तब आपका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड आपका, अर्थात दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। क्या चीज़? दोनों कथन आपके ठीक हो जाएंगे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट SSC GT की तैयारी कराई जाएगी। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने डैश के रूप में शपथ ली, तो किसके रूप में शपथ ली है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आप यह आइडिया लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश, क्या चीज़? बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि साझा नहीं करता है? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, कि जो बांग्लादेश है किसके साथ अपनी सीमा उसकी नहीं लगती है। फटाफट कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, लेकिन आपकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, इसे डैश प्लान के नाम से जाना जाता है। तब इसे किस प्लान के नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन SSC GD में कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आपको 2025 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवश्य लगाएं। यहीं पर आपको 2021 से लेकर के 2024 तक के कंप्लीट जो SSC GD के पेपर हुए थे वो सभी पेपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तब इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा प्लान था? ये प्लान था बॉम्बे प्लान। क्या था? बॉम्बे प्लान। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? किसके होगा? ये आपका होगा बायल का नियम। इसमें कौन सा नियम कहेंगे? बायल का नियम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तब ये किस देश ने जीता था? ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस समय पूछा गया था। हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो भक्ति शर्मा का संबंध किस खेल से है? कमेंट करें आप लोग, किस खेल से संबंध है इनका? इनका संबंध है तैराकी से। आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या यह खेल किस खिलाड़ी से संबंधित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश कर्नाटक का मुख्य त्यौहार है जो कन्नड़ नववर्ष का प्रतीक है, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उगादी। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आपको दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना कि कौन सा कथन ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा, या दोनों ही ठीक हैं। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएँ आती हैं। क्या पहला वाला ठीक है? बताएं आप लोग, पहला वाला कथन क्या ठीक होगा? जी हाँ, पहला वाला कथन ठीक होगा। ये दो प्रकार की संस्थाएं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था। क्या ये ठीक है? दूसरा वाला भी ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? कमेंट करें आप लोग, कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? तो अब ए और बी दोनों कथन इसके ठीक हो जाएंगे। आपने कुल 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया जीके में, और फिर हिंदी के जो अगले क्वेश्चन आएंगे इसके बाद में, उनमें से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया? कुल स्कोर मिलाकर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि हद्दू खान और हस्सू खान किस खेल शैली का महान ज्ञाता माना जाता था? तभी किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता था? ये माना जाता था ख्याल का। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तब कौन थे उस समय के हिसाब से? ये थे अजीत पवार। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन SSC GD का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर बार के किसी न किसी शिफ्ट में अवश्य पूछा जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। और स्वामी विवेकानंद किसके संस्थापक थे? कमेंट बॉक्स करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में किसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताएं किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन इससे पहले आ चुका था, इसमें दो क्वेश्चन आपको जनगणना से आपको देखने को मिले हैं। पहले में पूछा गया था कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया गया है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, तब किसका है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? ये है बिहार का। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तब ये किस वर्ष मिला था? ये मिला था 1935 में मिला था। ये भी क्वेश्चन SSC GD में कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अबुआ आवास योजना 2023 शुरू की? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये किसने शुरू की थी? ये की थी झारखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है कि भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तब बॉम्बे जो न्यायालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया है। कमेंट करें आप लोग, ये की गई थी 1862 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1862 में की गई थी।
सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और जीके का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में अपनी हिंदी के प्रश्न आएंगे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य का है? कमेंट करें आप लोग, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? ये आपका होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपनी जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आती है अपनी हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला। ये भी आप हिंदी के प्रश्नों को भी आप सभी लगाएं, 20 के 20 क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं वो कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हिंदी के प्रश्नों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप हिंदी के प्रश्नों को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जल्द ही आपको इनकी आपको पीडीएफ भी क्लासों की आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी फ्री में। देखते हैं पहला प्रश्न हिंदी का क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। नेकी और पूछ पूछ, आपको इसको बताना है कि नेकी और पूछ पूछ इसका अनुवाद क्या होगा, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? नेकी और पूछ पूछ इसका आपका क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका क्या होगा? भलाई करने में क्या पूछना, काम करने के लिए स्वयं समर्थ ना होना, गलत काम करके सफाई देना, पूछ के ही कोई काम करना। तब इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा भलाई करने में क्या पूछना। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया विलोम शब्द पूछा गया किसका? अग्रज का विलोम बताना आपको कि अग्रज का विलोम क्या होता है। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अनुज माने क्या होता है? छोटा। अग्रज माने क्या होता है? बड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प होगा। विकास की आवाज़ में बहुत डैश है, तो विकास की आवाज़ में क्या है आपको पूर्ति करनी है इसकी। विकास की आवाज़ में क्या होगा? विकास की आवाज़ में हो गई मिठास। क्या चीज़? विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला पूछा गया तद्भव आपसे पूछा गया, किसका पूछा गया है तद्भव? अर्ध का तद्भव बताना कि अर्ध का तद्भव क्या होगा। अर्ध का तद्भव क्या होगा? अर्ध का तद्भव होता है आधा। क्या हो जाएगा? आधा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पत्थर को गढ़ने वाला औजार, क्या चीज़? पत्थर को गढ़ने वाला औजार के लिए एक वाक्यांश आपको बताना है। क्या बताना है? वाक्यांश बताना है, एक शब्द का वाक्यांश बताना है। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा छेनी, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विलोम शब्द बताना किसका? कटु का विलोम क्या होगा? शब्दहीन होगा, शुक होगा, नरम होगा, मृदु होगा? आप लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं, नरम होगा या मृदु होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मृदु। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपको अनाथ का पर्यायवाची बताना किसका? अनाथ का पर्यायवाची क्या होगा? अनाथ का पर्यायवाची आपका होता है नाथहीन, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग? इसका सही जवाब होगा कोई त्रुटि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में से निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए, तूफान की वजह से अनेक पेड़ गिर गए हैं। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बेड़, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पर्यायवाची आपको बताना किसका बताना है? बुद्धिमान का पर्यायवाची बताना है। बुद्धिमान का पर्यायवाची क्या होगा? बुद्धिमान का पर्यायवाची होगा ज्ञानी, पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक सार्थक शब्द आपको बताना है किसका? आकाश को चूमने वाली रेखांकित, ये आपको दे रखा कि रेखांकित का बताना है। क्या बताना? एक सार्थक शब्द बताना, आकाश को चूमने वाली, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाली या वाला गगनचुंबी।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसके लिए ज्ञात करना? समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? जो समुद्र में आग लगती है उसके लिए क्या कहते हैं? समदा कहेंगे, बढ़ावगिरी कहेंगे, जठागिरी कहेंगे, दावागिरी कहेंगे। जो समुद्र में आग लगती है उसके लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बढ़ावगिरी। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये प्रश्न कई बार SSC GD के पेपर में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? नीति के ऊपर। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि चुने, अगर यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि चुने, और कोई त्रुटि नहीं है तो नो त्रुटि आप चूज करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका, जिससे यह पता लगा जा पाता है कि उस देश का अतीत क्यों है। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। दाम लगाना, दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा मूल्य आंकना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आपके SSC GD के क्वेश्चन पेपर में एक गद्यांश मिलेगा। वो गद्यांश आपका से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें पांचों जो कि रिक्त स्थान दिए रखे होंगे और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको 5 विकल्प दिए रखे होंगे, उन विकल्पों में से छांट करके उसकी पूर्ति करनी होगी। अर्थात आपको बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर इसका विकल्प सही होगा। तब देखते हैं पहले की जगह पर क्या आएगा। तकनीक के डैश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पे कौन सा वाला आपका आ जाएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? उपयोग आएगा, इच्छा आएगा, और दुरुपयोग आएगा, पकड़ आएगा। तकनीक के लिए क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा दुरुपयोग। क्या आएगा? तकनीक के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसके लिए? तकनीक के दुरुपयोग के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तकनीक के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डैश जताई, यह बताती है कि उसके गलत। तो यहाँ पर क्या आएगा? चिंता आएगा आपका। यहाँ कहा जाएगा सेकंड के स्थान पर आपका आ जाएगा चिंता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उसके गलत डैश की क्या चीज़? तो यहाँ आपका आ जाएगा इस्तेमाल। क्या चीज़? गलत इस्तेमाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 99 सॉरी साथियों 19 क्वेश्चन है कि दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन डैश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने, तब यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा समारोह। इसे क्या कहेंगे? यहाँ आ जाएगा आपका समारोह। क्या आ जाएगा आपका? समारोह आ जाएगा यहाँ पे आपका। अर्थात पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, जो 5 आप देख रहे हैं, संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह डैश दी कि उनका अभी डीप फेक वीडियो सामने आया है। अब इसका क्या जवाब होगा? इसका होगा जानकारी सामने आई है। इस तरह से अपनी GK GS अर्थात सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहीं पर इसी ICS क्लासेस पर आपको कंप्लीट SSC GD की तैयारी कराई जाएगी, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री में और PDF के साथ कराई जाएगी, जो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।